गुड आफ्टरनून गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम। रजत शर्मा आप लोगों की सेवा में हाजिर है। हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज में, जहां हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते हैं। आज का विचार थोड़ा हटके है मेरे दोस्तों। आज का विचार जो गाइस मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि क्या टिप्स, क्या क्वेश्चंस हैं जो हमेशा मोस्टली क्लाइंट से पूछे गए अब्रॉड जाने के लिए। यकीन मानिए, अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस ध्यान से सुन लिए और इनके आंसर्स ध्यान से तैयार कर लिए, यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब, एम्प्लॉयर विल डेफिनेटली सिलेक्टेड टू यू। सो सुन लो, पहला क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसका मतलब है सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। जैसे आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर को इंडिया में भी जॉब अप्लाई करते हैं और आप उसमें आप अपने बेसिकली बताते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ यह है, मेरा जन्म, मेरा पूरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है और मेरे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये एजुकेशन डिटेल्स क्या है, ये आप बताते हो अपने इंट्रोडक्शन में। अगर आपको एम्प्लॉयर बीच में टॉक दे तो वहीं रुक जाइए, ऐसा नहीं कि आप बोलते रहिए, इससे एक मिसबिहेव हो जाता है इंटरव्यू में। और पहली चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा प्रोफेशनल रहना। वहाँ पे एम्प्लॉयर के साथ ज़्यादा फ्रैंक मत होना, वो आपको जज करता है कि आप प्रोफेशनल हो या नहीं हो। अब ऐसा नहीं कि मैं इंटरव्यू बात कर रहा हूँ, मैं तू तड़ाक करके बात कर रहा हूँ, या फिर मैं उससे आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर रहा, ध्यान मेरा कहीं और है, मैं बीच में फ़ोन उठा रहा हूँ, ये सब चीज़ें पसंद नहीं करता कोई भी एम्प्लॉयर। आपको पता भी होगा जिन्होंने इंडिया में इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो सेम कोई इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इंटरव्यू होता है आपका अब्रॉड के लिए। एम्प्लॉयर आपको जज करता है कि ये बंदा मेरी कंपनी में आने के लायक है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन मोस्टली क्लाइंट से जो पूछा गया वो है दोस्तों, व्हाट अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन, जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसको आंसर आपको कैसे देना है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है। तो आप उन्हें बता सकते हो कि मैं बहुत ही पॉजिटिव वे में काम करता हूँ, मैं टीम वर्क में काम करता हूँ और मैं अपने काम में ऐसा ध्यान देता हूँ कि जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए मैं उस काम पे 100% रहता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं हमेशा पॉजिटिव होकर रहता हूँ। ऐसा कुछ क्वेश्चन का आंसर जब आप देंगे इस तरीके से दीजिए ताकि एम्प्लॉयर पर अच्छा एक अट्रैक्शन पड़े, उस पर एक अच्छा इंट्रैक्शन पड़े कि वो आपको देखिए ये बंदा जो है बहुत पॉजिटिव है और ये बंदा बहुत उत्साहित है मेरे पास आने के लिए, एक इसके पास नॉलेज है, ये स्किल्ड पर्सन है। दूसरा, आपकी वीकनेस जो वो आपसे पूछे तो आप उससे बोल सकते हैं कि सर हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, ऐसा नहीं कि मेरे में कोई कमी नहीं होगी या मैं हूँ मेरे में कोई कमी नहीं होगी, वीकनेस हर व्यक्ति में होती है, लेकिन मेरी वीकनेस ये है कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ अगर मुझे उसका रिजल्ट ना आए, समटाइम्स मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, यानी कि मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, नेगेटिव नहीं, डीमोटिवेट यूज़ करना कि मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ पे दोबारा काम नहीं करता, तो मैं उसको दोबारा उस गलती को सुधारता हूँ एंड देन आई विल अगेन मैं उस गोल को अचीव करने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से जवाब देना है। तीसरी चीज़, तीसरा जो क्वेश्चन एम्प्लॉयर से पूछा गया कि आप अपनी प्रीवियस जॉब के बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रीवियस जॉब एंड योर करंट जॉब। ये जिस प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो वो बताएगा कि मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मैं प्लांट हैंडल करता हूँ, मैं सुपरवाइज़र हूँ, मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में काफ़ी सारी प्रोफाइल दोस्तों आती हैं। सुपरवाइज़र है तो वो टीम हैंडलिंग कर रहा होगा, वो इसमें मेंशन करेगा कि मैं टीम हैंडल करता हूँ, मेरे नीचे 4 या 5 लोग काम कर रहे हैं, इनसे मैं अपडेट लेता हूँ, फिर मैं कंपनी को देता हूँ, या कोई मेंटेनेंस का काम होता है तो मैं देखता हूँ कि ये मेंटेनेंस है, इसको हमें कैसे जाके वहाँ क्योर करना है। अब कोई नर्सिंग प्रोफाइल में है तो उससे पूछता है कि आप मुझे करंट जॉब के बारे में बताइए, तो वो अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा जिस प्रोफाइल में वो काम कर रहा है। तो बेसिकली यही था। और अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, वो है व्हाई यू आर चूजिंग फॉर द अब्रॉड या व्हाई यू आर विलिंग टू वर्क इन द अब्रॉड, आप अब्रॉड ही क्यों जाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछता ही पूछता है। मेरे मोस्टली क्लाइंट्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर स्टडी करके उनसे ये रिव्यूज़ लेके मैंने ये आपके वीडियो डाली है ताकि आप लोगों की एक हेल्पफुल हो जाए, ईजी हो जाए आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना। सो इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या दोगे, जब एम्प्लॉयर आपसे पूछता है व्हाई यू आर विलिंग टू वर्क इन द अब्रॉड, तो उनसे बोलिए कि मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर में काम करना चाहता हूँ, इंडिया में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है मुझे मेरी कंट्री से प्यार है, बट एक इंटरनेशनल एक्सपोजर में काम करने का मेरा एक फ़ायदा क्या होगा कि इन केस मैं अपने करियर को बूस्ट कर रहा हूँ, आगे आने वाले 2 साल 3 साल में अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर काम करके आ रहा हूँ किसी कंपनी में या किसी कंट्री में, तो मेरा जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो इससे क्या होगा मेरा स्किल भी होगा वो हाई लेवल का होगा और एक अलग एटमॉस्फेयर में काम करूँगा, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप इस वे में उन्हें दिखाइए कि मैं सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, ना कि आप उन्हें ज्ञान बांटिए कि मेरे को ये पता और मैं ऐसे जानता हूँ, ऐसा नहीं, वहाँ मिसबिहेव नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो एक सीधा सा आसान सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एम्प्लॉयर भी कहे यार हाँ ये बंदा बहुत बढ़िया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, वाई शुड आई हायर यू, हर कंपनी आपसे पूछती कि मैं आपको हायर क्यों करूँ, मैं आपको, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो मैं आपको हायर करूं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप।
कि देखिए सर, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ और सिर्फ हार्ड वर्कर नहीं, हार्ड वर्क के साथ मैं स्मार्ट वर्कर भी हूँ। और ये भी बोलिए कि आई एम पंचुअल विद द टाइम, मैं टाइम के लिए पंचुअल हूँ, मैं अपने काम को दिल से करता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन को दिल से करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने जो काम पकड़ा है उसको मैं बीच में छोड़ के चला जाऊँ, और मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वेव्स को लेने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन लेने की कोशिश करता हूँ, और देता भी हूँ अपनी टीम को पॉजिटिव वाइब्रेशन। सो मुझे लगता है कि आपने जो वैकेंसी निकाली है, मैं उस एक्सपीरियंस को उस वैकेंसी अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं सही व्यक्ति हूँ, और आप प्लीज़ मुझे सेलेक्ट कीजिए, एक रिक्वेस्ट कीजिए उनसे। और उसके बाद उन्हें बोलिए कि अथॉरिटी आपके पास है, क्योंकि अगर आप मेरा एक्सपीरियंस आपने देखा सर, अगर आपको लगता है कि मैं उस जॉब के लिए कैपेबल हूँ, एक सही पर्सन हूँ, देन यू कैन हायर मी, दैट इज़ योर अथॉरिटी, यू आर द ऑथराइज पर्सन फॉर दैट। तो ऐसे जवाब दीजिए, एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा और डेफिनेटली यार आपको जॉब मिलेगी मिलेगी। और उसके बाद सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, वो आपसे पूछते हैं वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन लास्ट 10th ईयर, यानी कि आने वाले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो आप उनसे ऐसा मत बोलिए कि 10 साल बाद मैं अपने आप को किसी और कंपनी में देखना चाहता हूँ, तो पहले ही गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा। आपने उसका जवाब देना है एक चलाकी से, एक चतुराई से, एक क्लेवरी वे में, एक क्लेवर तरीके से आपने उसका जवाब देना है कि सर, मैं अपने आप को इसी कंपनी में ऐसा व्यक्ति देखना चाहता हूँ, ऐसे डेजिग्नेशन पर देखना चाहता हूँ कि डिसीजन कंपनी के लिए जो लूँ वो मैं लूँ, और कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो, कि जब मैं डिसीजन लूँ तो सब लोग कहें कि हाँ, ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति जो सोच रहा है, और कंपनी मेरे आने के बाद कंपनी अभी जिस ऊंचाई पर उससे 10 गुना आगे बढ़े, उसके 100 गुना आगे ग्रो करे। एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सामने वाला पूछे यार, बंदा मेरी कंपनी में आके एक हार्ड वर्कर के तौर पर काम करेगा, ये पूरी सपोर्ट करेगा हमें, कि आने वाले 10 साल में हमारी कंपनी को ऐसे लेवल पहुँचा लेगा, तो हमें ये बंदा चाहिए, हमें ये व्यक्ति चाहिए। अब बात करें तो दोस्तों 7th क्वेश्चन पे कि व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट स्टाइल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कि आपका मैनेजमेंट का तरीका क्या है, आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने आपको सुपरवाइजर बना दिया, या किसी व्यक्ति को मैंने बना दिया कि फॉर एग्जांपल कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैंने आपको दे दिया कि आप ये टीम को सुपरवाइज कीजिए, तो आप कैसे सुपरवाइज करेंगे। या आप सुपरवाइज के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया, तो आप कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे। तो पहले आपको भी तो उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी ना, तो आपने उसको जवाब देना कि सर, जो भी प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे उसके पहले मैं उसको पूरा स्टडी करूँगा, उसके बाद मैं अपनी टीम से डिस्कस करके आपके सामने वो तरीके रखूँगा कि हमें इस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में ख़त्म करना है, और ये प्रोजेक्ट को हमें चाहे डे लगे चाहे नाइट लगे, हम इसको पूरे हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर के तौर पर काम करेंगे, ताकि जब ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो, बड़े बड़े कंपनी जब प्रोजेक्ट पकड़ जाते हैं ना, तो वो आपसे मांगते हैं रिवेन्यू कि इस प्रोजेक्ट का हमें आने वाले सालों में क्या फ़ायदा होगा। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा है, और कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर प्रोफाइल पे काम कर रहा है, तो वो उस हॉस्पिटल के लिए क्या विकास करेगा। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप उस कंपनी के लिए क्या विकास करोगे, क्या रिवेन्यू जनरेट करोगे, तो आपको उसका एक पूरा प्रॉपर उनको परफॉर्मा देना पड़ेगा कि ये हमारा मॉडल है और मैं इस तरीके से काम करूँगा। तो आपने उनको बताना है कि सर, अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर होता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो मैं पूरी टीम से डिस्कस करके उसके उस प्रोजेक्ट की कमियां क्या होंगी, हमें उसका नुकसान तो नहीं कोई होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं बना के उसके बाद मैं उसके आपके सामने रखूंगा, ताकि एम्प्लॉयर पर अच्छा एक एक्सप्रेशन पड़े कि यार, इंप्रेशन पड़े कि ये व्यक्ति बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है और ये काम करेगा, दिल लगा के करेगा, ये डेफिनेटली मेरी कंपनी के लिए आने वाला फ्यूचर अच्छा करेगा, ग्रो करेगी कंपनी। ये चीज़ होती है दोस्तों जवाब देने का तरीका। और उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मोस्टली क्लाइंट से पूछा गया, हाउ विल यू मतलब कि आप जब जाते हैं ओवरसीज में आप करोगे, तो आप कितना साल रहोगे यहाँ पे, या फिर आप ओवरसीज का हाउ विल यू अडेप्ट द कल्चर ऑफ द ओवरसीज, यानी कि आप अपने देश में काम कर रहे हैं, अभी आपको सारे हिंदी आप आसपास बोल रहे हैं या इंग्लिश भी बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ लैंग्वेज का भी कोई डिफरेंस होगा, या आपने अलग अलग कंट्री से लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप उस कल्चर में हैंडल हो जाओगे, आप उस कल्चर में चेंज हो सकते हो, आप काम कर पाओगे वहाँ पे। हो सकता है सामने वाला स्पेनिश हो सकता है सामने वाला अमेरिका से हो, वहाँ पे हो सकता है कोई साउथ अफ्रीका से हो, किसी भी कंट्री से हो, तो वहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कैसे उसको अडेप्ट कर पाओगे, उस कल्चर को आपके लिए इजी होगा, ये क्वेश्चन एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा। तो आपको उसका जवाब देना कि सर, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं हर एक कंडीशन में अपने आप को ढालना जानता हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ से सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं जब इतना सीखता आया हूँ ऑलरेडी, अलग अलग कंपनीज में मैंने काम किया, चाहे मैं साउथ इंडिया में काम करता चाहे मैं नॉर्थ इंडिया में, तो मैंने उन कल्चर्स को भी अडॉप्ट किया, मेरी हमारी खुद की कंट्री के इतने सारे कल्चर हैं, मैंने उसको अडॉप्ट किया, अलग अलग कंपनीज में मैंने काम किया, तो ये मेरे लिए एक नया होगा, सीखने लायक होगा, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा और अपना 100% दूंगा, और मैं इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा।
आप उसे दिखाइए कि मैं आपकी कंपनी में आने के लिए बहुत अग्रेसिव हूँ, उतावला हूँ, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है आपकी प्रोफाइल कंपनी में। सो ये होगा आपका जवाब देने का तरीका। और नाइन्थ क्वेश्चन जो पूछा गया कि आर यू विलिंग टू गेट योर फैमिली हियर, आप यहाँ पे अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं या आप खुद सेटल होना चाहते हैं, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप पे डालता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप अपनी फैमिली को वहाँ ले जाना चाहते हो आज से 4-5 साल बाद, या आप खुद वहाँ जाके काम करके थोड़े टाइम बाद वापस आना चाहते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे क्या जवाब देते हो। और 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि वो आपसे पूछते हैं कि अगर आप में ऐसी क्या यूनिक, आपकी इंडस्ट्री में जो आप काम कर रहे हैं, आप में ऐसी क्या यूनिक क्वालिटी है जो वो आपको हायर करे, या आप अपनी इंडस्ट्री में यूनिक पर्सन कैसे हो। तो आप उन्हें बताइए यार कि मैं स्मार्ट वर्क काम करता हूँ, मैं अपने काम को काम समझता हूँ, मैं टाइम के लिए पंचुअल हूँ, और मैं जिस काम को पकड़ता हूँ मैं उसको एंड तक पहुँचा के ही दम लेता हूँ, मैं अपना 100% देता हूँ, मैं अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ, टीम वर्क करता हूँ, मैं अपने ऑफिस में जितने भी चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट देता हूँ तभी वो कंपनी के पर्सन मुझे रिस्पेक्ट देंगे, और मैं सबको साथ लेकर चलने वाला बंदा हूँ, सिर्फ अपना डिसीजन लेने वाला बंदा नहीं हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है एक अलग इंप्रेशन पड़ा, एक बढ़िया इंप्रेशन पड़ा दोस्तों, और एम्प्लॉयर को पता लगा। ये 10 क्वेश्चंस के बाद आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, ये रजत शर्मा की आपसे गारंटी है। तैयारी कर लेना ये क्वेश्चंस की जो मैंने आपको आंसर दिए, एक बारी आप भी स्टडी कर लेना। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये रिसर्च करके मैं आपके लिए लाया हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे मोस्टली एम्प्लॉयज से, मेरे मोस्टली क्लाइंट से पूछे गए, जो आज अच्छी अच्छी कंपनीज में हायर हैं या जो अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो बनाऊँगा आपके लिए एक नई कंट्री के लिए, मेरे पास खुशखबरी आ रही है आपके लिए, तो सस्पेंस रखो, जो खुशखबरी आ रही है और वो आपको मैं दूंगा जल्दी। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।